व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू अनदर वीडियो। एंड आज हम लोग खेल रहे हैं वॉबली लाइफ। एंड गाइस, वॉबली लाइफ में अभी हो रहे हैं बिल्कुल रात, ठीक है, लाइक 8 बजने वाली है रात की। और भाई अपन लोग जा रहे हैं आज एक एक्सट्रीम हाइस्ट करने। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने यार कल कमेंट किया था भाई वॉबली लाइफ की वीडियो के ऊपर कि फ्रॉस्टी भाई क्यों ना बैंक रॉबरी ट्राई करो। तो भाई आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए द वन एंड ओनली द मोस्ट एडवेंचरस एंड इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट डेंजरस रॉबरी ऑफ ऑल टाइम, द वॉबली बैंक हाइस्ट। तो गाइस, इस हाइस्ट के लिए हम लोगों ने जो भी प्रिपरेशन थी वो कर ली है। अब बस मेरे को ऑफिसर चॉप से भाई बच करके वॉबली बैंक को लूटना है दोस्तों। भाई लेकिन ऑफिसर चॉप एकदम रिपोर्टिंग ऑन ड्यूटी है ब्रो। अरे ऐसा है क्या? तो चलो भाई एक बार ऑफिसर साहब से मिल लिया जाए और उनको भाई देख करके बता दिया जाए कि देखो भाई अपन लोग हाइस्ट करने वाले हैं, लेकिन जो करना है कर लो, तुम पकड़ नहीं पाओगे। फ्रॉस्ट भाई आपको पता है ना, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं ब्रो। कितनी भी दूर भागोगे तो पकड़े तो जाओगे ही ब्रो। अगर आप घर में लौट के भी आओगे तो बचना तो आपको अपने घर पे ही है ना भाई। अरे अरे अरे, मेरा एड्रेस जान करके मेरे को धमकी दे रहा है भाई। चलो कोई नहीं गाइस, हम लोग ऐसी छोटी मोटी धमकियों से डरते नहीं है। एक्चुअली मेरे को भाई इतने कोहरे में पता ही नहीं चल रहा है जाना कहां है, क्या हर तरफ कोहरा ही कोहरा दिखाई दे रहा है गाइस। आई एम सो कंफ्यूज्ड। ओके तो चलो, ये रहा आई थिंक वॉबली बैंक एंड यही पर हम लोगों को जाना है गाइस। एंड अपन लोग यहाँ पे खड़े। ओके चलो, मैंने वे पॉइंट सेट कर दिया है, नाउ इट्स टाइम टू गो। लेकिन भाई वॉबली बैंक जाने के पहले मैं जा रहा हूँ चॉप से मिलने, क्योंकि भाई मेरे को देखना है वो एक्चुअली आज आया है ऑफिस की नहीं आया है भाई, मतलब पुलिस स्टेशन के अंदर है कि नहीं। तो जी हाँ, चॉप हमें रोकने की कोशिश करने वाला है इस सदी की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी से। तो अगर आपको वीडियो एक्साइटिंग लग रही है अभी तक तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स के बहुत ही ज्यादा करीब है। एंड गाइस, हो सकता है 5 मिलियन सब्सक्राइबर स्पेशल की एक मैं वीडियो भी बनाऊं, डिपेंडिंग कि आप लोग कितना जल्दी हिट करते हो। एनीवेज अभी के लिए मेरे को जाना चाहिए। एंड आई थिंक भाई ये बंदा आई थिंक पुलिस स्टेशन यही कहीं होता है ना। हाँ ये रहा, जस्ट एम्बुलेंस के सामने, हियर वी गो। और ये देखो भाई, लगता तो है गाइस शॉप ऑलरेडी पुलिस स्टेशन पे पहुंच चुका है। एक तो ये बारिश इतनी ज्यादा हो रही है ना, लेकिन पता है ये बढ़िया है भाई, इतनी खतरनाक मौसम में पुलिस वालों की गाड़ी स्लिप करेगी ना तो वो अपने को घंटा का भी नहीं पकड़ पाएंगे। ऑलराइट, रात के 9 बज रहे हैं और पता है मैंने कॉस्ट्यूम भी भाई ऐसा ही चूज किया है ताकि ये लोग मेरे को देख के पहचान जाए। बट देखो गाइस, इनके पास एविडेंस नहीं है, ठीक है। हेलो, व्हाट इज अप, वॉबली पुलिस स्टेशन में आपका स्वागत है। अरे अरे, थैंक यू भाई, एक चोर का इतनी अच्छे तरीके से स्वागत करते हैं पहली बार देख रहा हूँ। और ये कौन नुबड़ा है? आई एम डिटेक्टिव बक। अब मेरे को तुमसे काम नहीं है भाई, मेरे को मिस्टर ऑफिसर चॉप से मिलना है। अरे ये क्या भाई, मिशन देने लग गया भाई। मतलब भाई साहब यहाँ पे चोर देखा नहीं, पुलिस की वर्दी पहनाने के लिए लोग घूम रहे हैं ब्रो। फ्रॉस्टी भाई यार, उसका मिशन सुन लो ब्रो, बेचारे का मैग्नीफाइंग ग्लास गुम हो गया है भाई, एंड कब से ढूंढ रहा है वो, उसको मिल ही नहीं रहा है ब्रो। अरे तो मेरे को क्या फर्क पड़ता है भाई, मैं ढूंढूंगा ना तेरा मैग्नीफाइंग ग्लास बाद में, अभी के लिए मेरे को मिस्टर चॉप को ढूंढना पड़ेगा। ओके सर, क्या आप जानते हैं चॉप की लोकेशन? आई डोंट थिंक ये नूबड़ा कुछ जानता है गाइस। क्या वो इस प्रिजन सेल के अंदर है? हैया नहीं, इस प्रिजन सेल के अंदर तो नहीं है गाइस, लेकिन बहुत जल्दी मैं हो सकता हूँ अगर मैंने ध्यान नहीं दिया तो। ओके, और ये क्या हो गया भाई, यहाँ पर सारा सामान। अरे भाई भाई भाई, ऑफिसर चॉप तो बहुत गुस्से में लग रहे हैं दोस्तों। तो भाई अरे, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो ब्रो? अरे बोला था ना भाई तेरे से मिलने आया। अरे अरे, चोर नहीं हूँ मैं, अबे नूबड़े मैंने सिर्फ कपड़े पहने हैं भाई। तो भाई जो भी यहाँ पे मेरे पुलिस स्टेशन में चोर के कपड़े पहन के आता है उसको चोर की ही ट्रीटमेंट की जाती है ब्रो। अरे देखो दोस्त, मैं सच बता रहा हूँ, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो मेरे भाई जाके पूछ लो, सीसीटीवी फुटेज चेक कर लो, अभी तक चोरी हुई नहीं है। एंड पुलिस को बस मैं बताने आया था यार, लेकिन छोड़ो, पूरा मूड खराब कर दिया, भैंस की आग पकड़ के दो चमाट मार दिया भाई बंदे को। गाइस बताओ यार, कैसा जमाना आ गया है भाई, आजकल चोर लोग यार पुलिस को बताने आ रहे हैं कि भैया देखो हमने रॉबरी की है, तो भाई पुलिस तो यार पकड़ के पहले ही मारे जा रही है। ऑलराइट, चलो हटाओ चॉप को, बाद में बताऊंगा, अभी के लिए गाइस इट्स टाइम टू गो एंड रॉब द बैंक। एंड क्या रही हमारी गेटअवे व्हीकल, और ये देख सकते हो मौसम भी एकदम परफेक्ट है, रात तो हो चुकी है दोस्तों। चलो फिर अपने काम को अंजाम दिया जाए। ओ भाई रात के 10 बज रहे, बैंक खुली भी होगी। इमेजिन गाइस, मैं बैंक के अंदर जाता हूं एंड सडनली आई कम टू रियलाइज कि अरे यार ये भाई एम्प्लॉइज तो आज घर चले गए। लेकिन कोई नहीं गाइस, एम्प्लॉय चाहे घर जाए या नहीं जाए, अपन लोग बैंक की तिजोरी में फिर भी हाथ डालने वाले हैं। ऑलराइट, गाड़ी को एकदम परफेक्ट तरीके से पार्क कर देते हैं, क्योंकि यू नेवर नो पुलिस वाले कब आ जाए, है ना। तो चलो भाई फटाफट से, गाड़ी तो मैंने पार्क कर दी है, नाउ इट्स टाइम टू गेट इनसाइड। हैंड्स अप, हैंड्स अप, रॉबरी इन प्रोग्रेस, जितने भी पैसे तुम्हारे पास है मेरे बैग के अंदर डाल दो। अरे भाई ये बंदा तो उस तरफ है शीशे के। फट भाई, आप पुलिस के होते हुए चोरी कर रहे हो भाई, शर्म आना चाहिए ब्रो। अबे चुप कर, तेरे को आने में टाइम है। ओके गाइस, मैं जल्दी से जाता हूँ और यहाँ पर वोल्ट में रॉबरी करता हूँ, लेकिन वोल्ट है कहाँ पर? आई थिंक ये रहा। ओके मिल गया वोल्ट। ऑलराइट गाइस, रॉबरी हो चुकी है, सारे के सारे पैसे मैंने अपनी जेब में ठूस लिए हैं। वैसे ज्यादा पैसे तो नहीं आ पाए, लेकिन 2000
के नोट बना के ठूसे तो 1-2 लाख तो ठूस ही लिया है भाई अपने पैंट्स के अंदर। और राइट नाउ इट्स टाइम टू गेट आउट ऑफ हियर। टॉक्ड बाय हैंड इज द पुलिस आपको घेर लिया है। अबे घंटा घेर लिया, एक गाड़ी है भाई। बोल तो ऐसे रहा है भाई साहब, 4-5 पुलिस वाले। ऑलराइट आज 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 भाई आज इसको दिखाता हूं गाइस कि कैसे पुलिस वालों के साथ टॉय करता है। नहीं मेरी गाड़ी पिचका दी, पीछे से मार के तेरी ऐसी की तैसी, तेरे को छोड़ूंगा नहीं मैं। टॉक्ड भाई अरे अरे रैप क्यों कर रहे हो भाई, आराम से भी तो बात की जा सकती है ना ब्रो। अरे तू चुप कर भाई, मेरी गाड़ी पिचकाने वाले तेरी ऐसी की तैसी। ओ भाई मेरी स्पीड इतनी ज्यादा है, ये नूबड़ा कैचअप ही नहीं कर पा रहा है। कहां रह गए सर, कैसी खटारा गाड़ी लेके आया बताओ भाई, चोर को इंतजार करना पड़ रहा है। मैं चाहूं तो अभी भाग सकता हूं गाइस, बट इस बेचारे चॉप के लिए अभी इतनी जोर से क्यों टक्कर मार रहा है ब्रो, तेरे तो मैं इंतजार भी कर रहा था। फॉक्ट भाई ये कोई पकड़म पकड़ाई का गेम चल रहा है क्या, ये सीरियसली इसको लो नहीं तो सही में जेल के अंदर ठूस दूंगा भाई। अरे 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 निकलना पड़ेगा। अबे ये तो जंपिंग जपा करती ही नहीं है भाई, मेरे को लगा ये एक अच्छी ट्रैम्पोलिन होगी, बट शिट मेरा प्लान बहुत फेल था। ओके यू नो व्हाट, हम लोग अभी भी निकल सकते हैं गाइस। ये रोलर कोस्टर दिख रहा है, अगर मैं इस रोलर कोस्टर के अंदर बैठ जाऊं तो हो सकता है चॉप हमारा पीछा करना छोड़ दे। निकलो 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 निकलो, ओ नो चॉप आ रहा है, चॉप आ रहा है, चॉप आ रहा है, निकल। ओ नहीं चॉप के बच्चे मेरा पीछा छोड़ते क्या मिलेगा तेरे को। फॉक्ट भाई मेरी जॉब डिपेंड करती है, अगर आज आपको जिंदा जाने दे दिया तो पूरी पुलिस स्टेशन में मेरी बेइज्जती होगी ब्रो। अरे तो होने देना भाई, मेरे को क्या है, ये कैसा नूबड़ा पुलिस ऑफिसर है भाई बताओ, ड्यूटी पे पकड़ के लटक गया। ओ शिट, अरे डोंट टेल मी तू बाहर आ रहा है भाई, ये किसी हद तक भी जाएगा मेरे को पकड़ने के लिए। हट छोड़ मेरे को। ओ नो 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 नो, ओ भैंस की टैट, फ्रंट फ्लिप मारते हुए लैंड किया है। ओके गाइस तो अभी मैं क्या सोच रहा हूं ना, इस बड़े से फेरिस व्हील पे चढ़ जाते हैं ना, ये ज्यादा बेटर रहेगा, लेकिन इसके लिए तो बटन भी दबाना पड़ता है। ये बटन दबा दिया। ओके चलो 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 कूदो अंदर, तुम्हारी ऐसी की तैसी, बाय बाय चॉप, कल मिलियो। फॉक्ट भाई आपको क्या लगता है मैं अंदर नहीं आ सकता हूँ क्या? नहीं नहीं पता है मेरे को तू अंदर आ सकता है, लेकिन आइयो मत, समझ गया? अभी ये तो सही में अंदर आ रहा है। व्हाट द हेल गाइस, मेरे को जंप करना पड़ेगा, पुलिस को हमारे लोकेशन पे एंटर करने का तरीका मिल गया है। रुको रुको रुको, ये हमारा जंप और दूसरे वाले के अंदर। अबे क्या मस्त है भाई, देखा आप लोगों ने, अपन लोग तो फुल हॉलीवुड मूवी सीक्वेंस शूट कर रहे हैं। अरे नहीं 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 नहीं, चॉप के बच्चे, भाई तू कितना नूब है ब्रो, तेरे सामने नॉक्ड आउट पड़ा हुआ था, कुछ भी नहीं कर पाया। ओके गाइस यहां पे से निकलना पड़ेगा, जल्दी से भागना होगा, लेट्स गो। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, तो मैंने चॉप को किसी तरीके से चकमा देके मॉन्स्टर ट्रक तो ले लिया है, बट देखो भाई चॉप भी ज्यादा दूर नहीं गया है गाइस, वो इतनी दूर गया है कि वो रिस्पॉन्ड करके इजीली आ सकता है हमारे घर पर, और उसको पता है कि मैं कहां रहता हूं, तो इसका मतलब है हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मेरे को जल्दी से घर जाना है, कपड़े बदलने हैं ताकि आसपास के लोगों को ज्यादा शक नहीं हो, क्योंकि लिटरली मैं चोरों के कॉस्ट्यूम में हूं, और भाई लोगों के पास मेरी फोटो होगी, फोटो पूरे शहर में फैल चुकी होगी, तो जहां भी अपन लोग जाएंगे लोग हमें देख के पहचान जाएंगे। तो इस हाइस्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए मेरे को एक बार घर जरूरी था आना, और मैं एक काम करूंगा गाइस, जितने पैसे हम लोगों ने कमाए ना उस सारे के सारे पैसे मैं अभी घर पे डिपॉजिट करने वाला हूं अपने लॉकर के अंदर, एंड जल्दी से यहां पर से निकलते हैं, लेट्स गो। ऑलराइट 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 गाइस, अपन लोग रेडी हो चुके हैं, कपड़े मैंने चेंज कर लिए हैं, वैसे इस आउटफिट में आई होप कोई मेरे को ना पहचाने, बट देखो भाई चॉप सीधा हमारे घर के लिए आ रहा है। ओ भाई बहुत तेज से आ रही है। फॉक्ट भाई आपके मैंशन पहुंच चुका हूं, और इस बार मेरे हाथ में अरेस्ट वारंट भी है भाई। अरे भाई अरेस्ट वारंट लेके आ रहा है भाई साहब, ये तो गिरफ्तार कर लेगा गाइस अपने को, इसके पास एविडेंस भी है मेरे अगेंस्ट, कोर्ट में भाई जा करके अरेस्ट वारंट भी ले आए इतनी देर में। यू नो व्हाट, मैं सोच रहा हूं ना भाई अपन लोग बोट से एस्केप करते हैं, ज्यादा कूल लगेगा है ना, क्योंकि भाई हेलीकॉप्टर से तो 2 सेकंड में निकल जाऊंगा। अभी दिखाता हूं इस नूबड़े चॉप को। फॉक्ट भाई अरे रुक जाओ, मैं आ रहा हूं ब्रो। अरे आना तेरी ऐसी की तैसी, वो सही में आ गया ये। और भैया क्या कर रहे हो तुम मेरे कंपाउंड में, आइंदा अगर तुम भाई एंट्री मारोगे ना तुम्हारे ऊपर केस ठोक दूंगा मैं। फॉक्ट भाई शायद आप ये भूल गए हो, लेकिन आपको याद दिला दूं कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं, और जब भी कोई पुलिस ऑफिसर ड्यूटी पे रहता है तो उसको किसी के भी घर में घुसने के लिए परमिशन नहीं लेनी पड़ती है ब्रो। अरे भाई अब तुम कानून का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। ओके गाइस तो हम लोग यहां पर भाई लिटरली बोट लेके जा रहे हैं, ये बंदा भाई हेलीकॉप्टर से चेज कर रहा है। अब बताओ गाइस क्या लगता है कौन जीतेगा, मैं जीतूंगा या फिर ये हेलीकॉप्टर जीतेगी? फॉक्ट भाई आप देश छोड़ के भागने की कोशिश कर रहे हो, मैं जानता हूं ब्रो। अबे भाई इसको मेरा अल्टीमेट प्लान कैसे पता चल गया गाइस? अरे डैम इट, अब मैं क्या करूं? यू नो व्हाट, अभी भी भाई कुछ बिगड़ा नहीं है, मेरे को ना ये पानी से नीचे कैसे लेके आएगा? और गाइस ये बोट इतनी छोटी है ना कि आप इसके ऊपर एक हेलीकॉप्टर को लैंड भी नहीं कर सकते हो, तो अनलेस एंड अंटिल ये भाई नूबड़ापंती करे अपन लोग भाई इजीली यहां से बच के जा सकते हैं, एंड वेदर भी चेंज हो गया, लेट्स गो। भाई तू पकड़ेगा कैसे? भाई तू आसमान में है और मैं पानी में, समझ रहा है ना, एक गलती और मैं तेरे हाथ से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगा दोस्त। फॉक्ट भाई टेंशन मत लो, मैं बोट पे ला के हेलीकॉप्टर घुसा दूंगा आपको रोकने के लिए। अबे हेलीकॉप्टर फूट जाएगी, तू भूल रहा है हेलीकॉप्टर बहुत ज्यादा कमजोर होती है ब्रो। अरे भाई ये सर राइट साइड से आ रहा है, लेफ्ट साइड से आ रहा है, हर एंगल से आ रहा है। गाइस मेरे पास एक और ऑप्शन है, मैं फाइटर जेट में बैठ करके निकल सकता हूं, बट आई डोंट थिंक हम लोग फाइटर जेट के अंदर बैठ पाएंगे, क्योंकि चॉप भाई हमारे एकदम हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ है। फॉक्ट भाई मैंने आपको बोल दिया ना यार, रोक दो मतलब रोक दो, नहीं तो आपको यहीं पर कूद करके बोट पे मारूंगा मैं। इतना आसान नहीं है दोस्त, पकड़ना है तो पकड़ ले। ऑलराइट फॉक्ट भाई आपको मैंने
और डिग्री थी, आप मान नहीं रहे हो, ये लो। अरे रनुबड़े क्या हे भगवान, कैसा पुलिस ऑफिसर है भाई, इसको तो यार बोट क्या भाई, प्लेन को लेके बोट में ठोक दिया। खैर हटाओ गाइस अपने वो, क्या अपन लोग अब आजाद परिंदे बन चुके हैं दोस्तों, एंड हम लोग अब यहाँ पर से जाएंगे और मस्त लाइफ जिएंगे। सबसे पहले तो मेरे को फाइटर जेट लेनी है, चलो फटाफट से वो लेते हैं दोस्तों। ऑलराइट गाइस, फाइटर जेट मिल चुकी है एंड दिस ऑफिशियल मींस कि हम लोग देश छोड़ के जा सकते हैं। और ये देखो पुलिस वाला चॉप अब जाके आया है। क्या सर, अरे अरे पानी के अंदर घुस गया मैं। ओके थैंक गॉड, मेरी स्पीड ज्यादा थी, बच गया मैं। ऑलराइट गाइस, तो इसी के साथ अपन लोग यहाँ पर सक्सेसफुली बैंक रॉबरी कर चुके हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पे नो सब्सक्राइब करना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे फ्रॉस्टी।